अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतालाब से, जहां बेरोजगारी को कम करने एवं युवाओं के हक की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से 16 अक्टूबर 2022 को देवतालाब में सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस के मुख्य वक्ता भास्कर राव रोकड़े रहेंगे। देवतालाब विधानसभा के सम्यक अभियान संयोजक डॉक्टर एस एस तिवारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से युवाओं की बेरोजगारी पर चर्चा होगी, जिसमें सरकार की ऐसी नीतियां जिनके कारण युवा हताश, निराश और बेरोजगार हुआ है, सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी की भीषण समस्या से निजात कैसे मिले, इस विषय पर मंथन किया जाएगा। रीवा जिले में भी पढ़े लिखे युवाओं में बेरोजगारी की भीषण समस्या है। रीवा जिले में लगभग 1 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है। अकेले देवतालाब विधानसभा में बेरोजगार युवाओं की संख्या 30,000 के करीब है। डॉक्टर एस एस तिवारी ने सभी युवाओं से देवतालाब स्टेडियम में सम्मिलित होकर बेरोजगारी के विरोध में जनसभा को सफल बनाने का अनुरोध किया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं भास्कर राव रोकड़े जी, उनकी अगुवाई में और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने इस सम्यक अभियान की शुरुआत की है। और पढ़ा लिखा युवा आज बेकारी और लाचारी का शिकार हुआ है। ये संख्या लगातार रात दिन बढ़ती जा रही है। पहले भी आप सब देखते रहे होंगे कि रोजगार की समस्या शासन के तरफ से बहुत अच्छे से होती थी और जो हमारा काम का अधिकार है, जो हमारा राइट है, वो हमें प्राप्त नहीं हुआ। और पढ़ लिख करके युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज लगातार तैयार होती रही। अभी जो ऊर्जा एक देश के राष्ट्र के निर्माण में खर्च होनी चाहिए, वो युवा गलत दिशा में जा रही है, नशे के शिकार हो रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं युवा ये काम, इसी विषय पर चिंतन मनन करने के लिए और शासन सरकार सत्ता जो भी हैं उनके वो नीति और नियम जिनके कारण से युवा बेरोजगार हो रहा है, लगातार कुंठा का शिकार हो रहा है, निराश हो रहा है, हताश हो रहा है, बेकाम हो रहा है, उन शासन की नीति और नियमों का विरोध करने के लिए और ऐसे नीति नियम शासन लगाए जिनके कारण से युवाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो सके, इसके लिए सम्यक अभियान की शुरुआत की गई। अभी तुम्हारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चालू है, इसका कार्यक्रम अभी जो है कार्यक्रम हम सब जगह शुरू है, इसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अभी 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के सभी जिलों कम से कम 170 विधानसभाओं में मेरे कार्यक्रम है, उसकी तरह से हम लोगों से बात करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, टीम बनाएंगे और टीम को एक्टिवेट और मोटिवेट करके जो है आगे का प्लान तय करेंगे। अभियान के बाद आंदोलन करने की, अभी हमने आंदोलन का निर्णय नहीं लिया है। क्या आप मानते हैं कि युवा निराश और बेरोजगार? सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं को ये भूल गया। देखिए, कभी प्राकृतिक आपदा आती है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, मिलिट्री लग जाती है, बाढ़ आती है, आगजनी होती है, ओला पाला होता है। अभी युवाओं को सवाल क्या था आपका? क्या निराश हो चुका है? बिल्कुल निराश हो चुका है और निराश होने का ढेर सारे एग्जाम्पल आप अपने बीच में देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, शुरुआत इसकी शुरुआत हो चुकी है। नहीं नहीं देखिए पूरी बात, हमारा जो निवेदन ये है आपसे कि अभी तो हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, देश के प्रदेश में भी भविष्य में काम करेंगे, क्योंकि समस्या लगभग कोई चीज है। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो मैंने आपसे बातें किया है सारे बिंदुओं पर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सरकारें हमारे बिंदुओं पर काम करना शुरू करेंगी तो हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नंबर एक। नंबर दो, अवसाद की स्थिति में है, निश्चित रूप से परेशान है। अब परेशान नहीं होते तो एक चपरासी की जगह निकलती है, आप ही पेपर में छापते हो कि 5,000 जो है ग्रेजुएट इंजीनियरों तक और जो है BEd और MEd वालों ने भी आवेदन किया है। तो
इस सरकार देखिए सरकारें तो कोई भी रहेंगी, नीति और नियम का निर्धारण तो सरकारें करेंगी, नहीं युवा तो नहीं करेगा, युवा तो डिमांड ही करेगा। लोकतंत्र में कम से कम इतना विश्वास होना चाहिए युवा को कि हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो सरकार हमको कहीं रोजगार देगी। ये विश्वास यदि खत्म होता जा रहा है ये ना होने पाए इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जब भी सरकार से सवाल पूछा जाता है रोजगार कर, इससे 7 सालों में हमने देखे तो सरकार ये कहती है अपने बचाव में कि हम स्वरोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा एजेंडा ही नहीं है सरकारी नौकरी देने का। और तमाम आउटसोर्सिंग की जो आपने बात कही है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो और तमाम एफडीआई जो लग रहे हैं, सवाल इस बात का है, मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आप एक चीज़ बताओ कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है लेकिन सरकार